महीने तक राजस्थान कांग्रेस के कुनबे में मचा तहलका आलाकमान के दखल के बाद आखिरकार शांत हो गया, लेकिन ये मामला पूरी तरह खत्म हो गया है ऐसा नहीं लगता। सचिन पायलट और उनके साथी विधायक घर वापसी कर चुके हैं, लेकिन सीएम अशोक गहलोत गुट के विधायक सचिन खेमे की बगावत से अब भी नाराज हैं। सचिन पायलट गुट के विधायक आज सीएम अशोक गहलोत से मुलाकात कर सकते हैं। इसके साथ ही कांग्रेस विधायक दल की बैठक भी आज हो सकती है। मंगलवार की रात जैसलमेर में हुई विधायक दल की बैठक में कई विधायकों ने सचिन खेमे को लेकर अपनी नाराजगी भी जताई। अब सभी विधायक जयपुर लौट आए हैं और बाड़ाबंदी पार्ट 3 के तहत सभी को जयपुर के होटल फेयरमाउंट में भेज दिया गया है। पहले जयपुर के होटल में 18 दिन और फिर जैसलमेर में 12 दिन तक बाड़ाबंदी में रहे गहलोत गुट के सभी विधायक बुधवार को जयपुर लौट गए हैं। इन सभी को एयरपोर्ट से ही सीधा बाड़ाबंदी के लिए होटल फेयरमाउंट भेज दिया गया है। इन विधायकों ने कहा कि सचिन और उनके खेमे के लोगों को अगर सजा नहीं दी जा रही तो उन्हें इनाम भी नहीं दिया जाए। कांग्रेस नेता रणदीप सिंह सुरजेवाला ने तो यह तक कह दिया कि अब अगर कोई दरवाजे पर आ ही गया है तो उसे दुत्कारा नहीं जा सकता। जयपुर आए गहलोत गुट के कई विधायकों ने इस बात को माना कि विधायक दल की बैठक में ये सब बातें हुई थी। कई विधायकों ने माना है कि सचिन खेमे को लेकर तरह तरह की बातें बैठक में हुई, लेकिन अब आलाकमान का फैसला है इसलिए सब बातें खत्म हुई। इन तमाम विधायकों की बातों से ये बात तो साफ है कि सचिन पायलट और उनके साथी विधायक आलाकमान के दखल के कारण घर तो लौट आए हैं, लेकिन घर वाले उनकी वापसी से सहज नहीं है। इसलिए आगे सचिन और उनके समर्थक विधायकों की डगर इतनी आसान नहीं रहने वाली है। SPN 9 न्यूज रूम से शालिनी झा की रिपोर्ट।